था तो मात्र 30 मूर्तियां बनाए थे, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60, 70 अब इस तरह से मूर्तियां बनाने लग गए हैं। पहले नॉर्मल मूर्तियां बनाते थे, अब हो गया है ये यूट्यूब का जमाना आ गया है, अब फरमाइशी ऑर्डरली मूर्तियां लोग। सही बात है, डिजिटल जमाना में लोग अपने घर बैठे तरह तरह के मूर्ति देख लेते हैं और उसी के माध्यम से पहुंचते हैं कलाकार के आकृति देखकर। तो मेरे पास हर एक मतलब आइटम जो भी मतलब ग्राहक का फरमाइश रहता है, ऑर्डर रहता है, हम उनके मन मुताबिक पूरा मन मुताबिक पूरा करते हैं। हाँ, कोई भी आइटम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मूर्ति हो, हम उस ढंग का मतलब प्रयास करते हैं कि उसको बना के कस्टमर संतुष्ट करते हैं और ग्राहक संतुष्ट। नमस्कार, मैं हूँ नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं प्रशांत ब्लॉग में। साथियों, आज हम दाऊद नगर के ही पुराने शहर में आए हुए हैं, गर्ल हाई स्कूल के समीप, जहाँ की इंदर जी नाम का एक शख्स हैं जो कि बहुत ही इनका कलाकारी फेमस है और लोग इनको पहले से भी जानते आए हैं। और आज हम जाने हैं, काफी चर्चा में बना हुआ था यहाँ पर मूर्ति, क्योंकि इन मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि हंसता हुआ जो बोलता हुआ जो मूर्ति है वैसा ही दिख रहा है। वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्शकों तक अपना पहुँचाने का प्रयास करें ताकि इनके कलाकृति को भी लोग दूर दूर तक समझे और जाने, और खास कर जो लोकल लोग हैं इनसे जुड़ सकते हैं। लोग पिछले कमेंट में बता रहे थे कि आप मूर्ति का व्यवसाय आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम मूर्ति को हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो रोजी रोटी का सवाल है, इनके भी बच्चे हैं और इनके साथ जो युवा साथी हैं जो कि बेरोजगारी अवस्था में इनके यहाँ काम करते हैं, उनका भी रोजी रोटी चलता है इनके माध्यम से। तो क्यों ना हमें ऐसा महसूस होता है कि इनके कला को लोग और सामने रखें और जाने, ताकि अगर इनकी बिक्री होगी तो इनसे अवश्य 10-5 जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए उनको भी फायदा होगा और घर का भी खर्चा है। ऐसे परंपरा को बनाए रखते हैं कि मूर्ति इन्होंने बहुत प्रतिमा जो है सजा कर रखे हैं, बना कर रखे हैं, तो जानते हैं कि ये कलाकार कहाँ से है और कहाँ से सीखे हैं। इनसे मुख से ही सुने और इनका परिचय जान लें ताकि आपको भी पता चले इनके बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जो लक्ष्मी जी के जो प्रतिमा है उनमें कुछ अभी काम बाकी है, उनको पूरा करने के लिए तत्पर हैं। और चलिए जानते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदल प्रजापति है, इंदल मूर्तिकार लोग कहते हैं। ये कारखाना बालाजी मूर्ति कला केंद्र के नाम से मौलाबाग में स्थित है, दाऊद नगर। मेरा घर गोडिया हुआ, गोडिया घर हुआ, मेरा घर गोडिया हुआ। एक मूर्ति आप कब से बनाने के लिए यहाँ से करीब 2009 से ही मूर्ति बना रहा हूँ। 2009 से। इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे, अभी एक बार पूरा दर्शकों को बता दें। इससे पहले मैं गोह में काम करते थे, गोह में ही अपने गुरु के यहाँ सीखा हूँ। अच्छा, आप गुरु को भी नाम थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि जो शिष्य होते हैं तो गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से बनते हैं, तो गुरु को अपना नाम एक बार रख लीजिए। हमारे गुरु का नाम है रामचंद्र मूर्ति कलाकार और सुरेश पंडित मूर्ति कलाकार। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे गुरु हैं, दोनों साथ में ही रहते थे और दोनों के यहाँ माध्यम से मैं सीखा हूँ। तो 2009 से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और उसके बाद मैं सीख करके 2009 से अपना दाऊद नगर में पर्सनल जैसे कि अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। तो आपने जो वर्कशॉप बना रखे हैं इसमें हर सीजन में मूर्ति तैयार आप करते हैं? हाँ, हर सीजन में होता है, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, चाहे कोई भी मूर्ति हो। तो अपने आप अपने रोजगार के माध्यम से कितने लोगों को यहाँ पर काम देते हैं इस रोजगार में, या हम ऐसे भी रोजगार जो भी करते हैं तो सालों 6-7 आदमी के मतलब प्रत्येक मतलब हर एक दिन का रोजगार, मतलब हर एक साल रोजगार। हाँ, यानी टाइम रोजगार देता है। सरस्वती पूजा होता है उसमें भी लक्ष्मी जी, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी जी, मैंने कोई भी सीजन हो 6-7 आदमी का रोजगार मेरे पास परमानेंटली है। परमानेंटली। हाँ, ये बताइए कि अभी आप जो बना रहे हैं इसमें जो मिनिमम प्राइस क्या है और हाई प्राइस? मिनिमम 1000 से स्टार्ट है, 1000 से स्टार्ट और मैक्सिमम यही 6000, 7000, 8000, 10000 मूर्ति के हिसाब से। जैसा के हिसाब से है। हाँ, जैसा मतलब अब तो पहले वाली बात नहीं रही, महंगाई बढ़ गई है, खर्च बढ़ गए हैं, सामान कॉस्ट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हर एक आइटम जो है कि हम लोग को बाहर से ही लाना पड़ता है, चाहे पिटारी हो, मिट्टी हो, सुतरी हो, चाहे यहाँ सखी मजदूर मिस्त्री वगैरह भी सब बाहर से। महंगाई के हिसाब से बढ़ा हुआ है, इसलिए मूर्ति का भी दाम
बढ़ गया है। हाँ, वो तो जरूरी है, स्वाभाविक है कि मूर्ति के दाम बढ़ेगा जब खर्चा बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो पहले के हिसाब से जो इसमें लोगों का जो दिलचस्पी है वो क्या कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये हमें बताएंगे। जैसे पहले का जो रेशियो देखा जाता था मूर्ति, मान लें कि पहले 10 आ रहा था, अब क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? 2009 से आप जब काम कर रहे हैं उसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? आज 2023 है, आप ये बताइए कि ग्रोथ क्यों? नहीं, मेरे पास जो मूर्ति का संख्या है जो मांग काफी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाता है। जब मैं 2009 में आया था तो मात्र 30 मूर्तियां बनाए थे, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60, 70 अब इस तरह से मूर्तियां बनाने लगे हैं। पहले नॉर्मल मूर्तियां बनाते थे, अब हो गया है ये यूट्यूब का जमाना आ गया है, अब फरमाइशी ऑर्डरली मूर्तियां लोग। सही बात है, डिजिटल जमाना में लोग अपने घर बैठे तरह तरह की मूर्ति देख लेते हैं और उसी के माध्यम से पहुंचते हैं कलाकार के आकृति देखकर। तो मेरे पास हर एक मतलब आइटम जो भी मतलब ग्राहक का फरमाइश रहता है, ऑर्डर रहता है, हम उनके मन मुताबिक पूरा मन मुताबिक पूरा करते हैं। हाँ, कोई भी आइटम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मूर्ति हो, हम उस ढंग का मतलब प्रयास करते हैं कि उसको बना के कस्टमर संतुष्ट कर दें और ग्राहक संतुष्ट कर। बहुत बढ़िया है। तो इस एरिया में देख, आप सुन लिए भाई साहब और जो भी मूर्तिकार हैं, इनका नाम महेंद्र जी है। अगर आप देख रहे हैं इनको तो कम से कम इनके पास एक बार पुनः पधारें, और अगर इस बार आप ऑर्डर ना कर सके तो अगली बार जरूर इनसे एक बार ऑर्डर लें और इनकी भी कला को आप समझें। दाऊद नगर, हाँ, अपना मौला दाऊद नगर मौलाबाग गर्ल हाई स्कूल के नज़दीक में है, इंदल मूर्ति कला केंद्र, बालाजी मूर्ति कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कि हर एक डिज़ाइन, हर एक फरमाइशी ऑर्डर, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की मूर्ति, कोई भी डिज़ाइन, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई हैं बेची जाती हैं। सीमेंट प्लास्टर पेरिस मिट्टी वगैरह। मेरा मोबाइल नंबर है 93049 29306। जैसा कि कॉन्टैक्ट नंबर है वैसे हमने कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका इनका मोबाइल नंबर जो है डाल देंगे, आप वहां से भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए एक कलाकार यहां पर है, इनके पास जो काम करते हैं इनका भी बहुत बढ़िया।